What is it, ma'am? ओके, तो आप सभी अपना वीडियो ऑन रखेंगे और अपनी बुक सामने रखेंगे। आज आप लोगों का कश्मीरी है, ठीक है? मैम मैंने लाई है ना सारी बुक्स। बुक सेलर ने बोला कश्मीरी बुक्स ने अभी पहुंची है, उसको मैंने आज भी बोला सुबह भी मुझे कश्मीरी बुक दो। उसने बोला आप बोला उनको मुझे नहीं अभी कश्मीरी बुक पहुंची है, मुझे नहीं है कश्मीरी बुक। अच्छा कोई नहीं, आप ध्यान रखिएगा जो मैं पढ़ाऊंगी, तो आप बुक लाना, ठीक है? बाकी बच्चे जिनके पास बुक है वो वीडियो ऑन करेंगे और बुक भी सामने रखेंगे, सभी अपना वीडियो ऑन करेंगे और जिसके पास बुक है वो बुक भी सामने रखेगा, ठीक है? सबके पास बुक्स है? ओके, तो आज जो हमें पढ़ना है वो है लेसन नंबर 1, दुआ, ठीक है? ये एक नज़्म है, ठीक है? तो एक दो बार पहले मैं इसको रीडिंग करती हूँ, उसके बाद आप भी ध्यान रखिएगा, फिर एक एक करके रीडिंग करनी है सबको, ठीक है? और मैं पूछूंगी, आप ध्यान रखिएगा इसका। दुआ, यहाँ पर पहले कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में। लुअन गहनावन दिल रचुन सोर मुश्कावन नाकारगी, ठीक है जी? पेज नंबर 11 पहला ही लेसन है ना। दुआ, चैप्टर का नाम है दुआ। मिला है ये? नहीं, दुआ ये आपको क्या है? पहला लेसन माहौल, बाकी मैंने मैंने परसों लाई, बाकी सबको भी यही चैप्टर्स है। नो मैम, मुझे पहला चैप्टर है दुआ। मैम मुझे भी है ये वाला। जरा फाइका आप इंडेक्स दिखाइए मुझे इसका। एक सेकंड ऐसे रुकिएगा। मुझे भी पहला वाला दुआ लेसन है। मैम इससे पेज टर्न करना है। ये तो ऑलमोस्ट सेम ही चैप्टर्स है, आपको ये नई बुक है? मैंने ये नई बुक ली है। माहौल है, चले फिलहाल हम आज यही दुआ लेसन पढ़ते हैं। तो मैं भी देखती हूँ मेरी बुक ये नई है कि आपकी, मैं इससे बात करती हूँ, ठीक है? बाकी सबको पहला चैप्टर दुआ है? ओके, कोई बात नहीं, हम ये इशू बाद में सॉल्व करेंगे। फिलहाल मेरे पास जो बुक अवेलेबल है उस पे भी जो पहला चैप्टर है वो है दुआ, ठीक है? फिलहाल हम आज वही पढ़ेंगे।
सबक लोलुक में परनावुम खुदाया में इल्मुक नूरगा नावुम खुदाया वकरहा ती से यम सूत रज रोजक में रच रच कामे हेच नावुम खुदाया ठीक है मैं मत करनावतम नाकार गी का रुतई रुत दिम रुतई रुतई हावुम खुदाया बु रचहा दिल गरीबन बेकसन हुन से पन्ने कर्म वत हावुम खुदाया बु मुश्कावन यथान छो सोर आलम गुलाबिक पैट फुलरावुम खुदाया ठीक है मैं एक बार फिर से पढ़ती हूँ फिर इसका मीनिंग बोलूंगी ध्यान रखिएगा सबक लोलुक में परनावुम खुदाया में इल्मिक नूर गा नावुम खुदाया ठीक है बु करहा ती यम सूत रज रोजक में रच रच कामे हेचनावुम खुदाया मैं मत करनावतम नाकार गी का रुतई रुत दिम रुतई हावुम खुदाया बु रचहा दिल गरीबन बेकसन हुन से पन्ने कर्म वत हावुम खुदाया बु मुश्कावन यछान छो सोर आलम गुलाबिक पैट फुलरावुम खुदाया ठीक है तो मैं इसका मतलब कश्मीरी में आप लोगों को समझाती हूँ ठीक है एक तो इसमें बच्चा अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से दुआ मांगा क्या शुस बना सबक लोलुक में पारनावुम खुदाया में इल्मी की नूर गह नावुम खुदाया यानी इस खुदा से बस बना मैं लोलुक सबक माय महब्तुक सबक पारनावुम खुदाया ठीक है मैं इल्मक नूर गह नावुम खुदाया यानी मैं इल्म से चमकाव खुदाया ठीक है यानी मुझे इल्म की रोशनी अता कर ठीक है ये अल्लाह ताला से दुआ मांगता है बु करहा ती से यम सूत रज रोजक में रच रच कामे हेचनावुम खुदाया गो यह खुदा सबस वनान दपान छस बु करहा तिम कामे यम सत रज रोजक में यम सत खुश गसक में बु करहा रच रच कामे रच रच कामे असल असल कामे हेचनावुम खुदाया बु करहा तिमै कामे यम सत में रज रोजक ठीक है मैं मत करनावतम नाकार गी का रुतई रुत दिम रुतई हावुम खुदाया यानी खुदा सब मैं मत करनावत कह बुरा काम ठीक है कह ते खराबी कह ते गलत काम मैं करनाऊ मैं दे रुतई रुत असल असल दिम असली असली हावुम ठीक है यानी बुराई से मुझे दूर रखो ऐ अल्लाह ठीक है बुरा दिल गरीबन बेकसन हुन ते पन्ने कर्म वत हावुम खुदाया यानी बुरछा दिल गरीबन बेकसन हुन इसका मतलब क्या है यानी जो गरीब लोग है लाचार लोग है ठीक है इमन मदद जरूरत है बुरछा तिहुन दिल बकर हा तिमन मदद ठीक है बिम हा तिमन बकर च पन्ने कर्म वत हावुम खुदाया यानी च पकना मैं पन्ने असल च वत यस वत च पसंद छे मैं पकना तान वत असल च वत पकनाऊ बु मुश्कावन यसान छु सोर आलम यहां पर देखो बु मुश्कावन यसान छु सोर सोर का मतलब यहां पर है सोर या तमाम ठीक है बु मुश्कावन यसान छु सोर आलम गुलाबिक पैट फुलरावुम खुदाया यानी बु छु सोरी आलम सोरी दुनिया मुश्कावन यसान अपनी खुशबू से ठीक है खुशबू फैलाव हा पान सी दुनिया मज आलम मज इत गुलाब इत रोज फलान तथे पे फलरा मे वैसे ही मैं ब्लॉसम करना चाहता हूँ ठीक है यह अल्लाह ताला दुआ मांगा इसका मतलब समझ आया सबको इसका मतलब समझ आया शेयर कीजिए ना जी स्क्रीन शेयर कीजिए क्योंकि मुझे अब नई बुक लानी है ना ये नई थी मारिस में मतना है अच्छा ठीक है मैं करती हूँ शेयर ओके मैम
सबको आ रहा है? यस मैम। ओके, मैं से पढ़ रही हूँ और फिर से इसका मीनिंग बोल रही हूँ। सबक लो लुक, एक सेकेंड, सबक लोलुक में परनावम खुदाया, इल्म की नूरगाह नावम खुदाया। मैम मुझे अभी तक ज्वाइन नहीं हो रहा था क्लास, मुझे अब खुल गया नेट। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? सबक लोलुक में परनावम खुदाया, मैं इल्म की नूरगाह नावम खुदाया, बह कर तीच यम सज रोज, मे रच रच कम हम खुदा, मे मत करना तम नाकार गीका, रुत रुत दम रुत हावम खुदा, बह रचा दिल गरीबन बेकसन पे कर्म वत हावम खुदा। रुको मैं फिर से शेयर कर रही हूँ दूसरा पेज। मे मत करना तम नाकार गीका, रुतई रुत दिम रुतई हावुम खुदाया, बह रचा दिल गरीबन बेकसन ऐसी पन्ने कर्म वत हावुम खुदाया, बह मुश्कावन यहां सोर आला, गुलाबिक पट फुलरावुम खुदाया। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है बच्चा, ये खुदा से दुआ मांग रहा है, इशू खुदा से बस दुआ मांगा। क्या चुस वनान दपान चुस सबक लोलुक में पारना हूं खुदा, यानी मैं पारना माए मोहब्बत सबक, मैं हेचना माए तो मोहब्बत करूं लोगों से, ठीक है? मैं इल्म की नूर गह नावुम खुदा, यानी मैं कर इल्म के नूर सित रोशन, मे दिह इम सब पूरे दुनिया रोशन हेकन कर, ठीक है? बह कर तीच यम सज रोज, मे रच रच काम हेचनावुम खुदा, यानी बह कर तम काम यम सब खुश गम सज रोज, यम ऐसे पसंद है यम काम, बह कर तम रच रच तम असल असल काम, तम हेचनाव तम काम हेचनाव यम ऐसे पसंद है, ठीक है? यह अल्लाह ताला हज मंगान दुआ। दे सकता है क्लास कौन? बॉस से त्रियास। कोई बात नहीं, नहीं चल रहा था तो इसलिए। कोई बात नहीं, मैं मत करना तम नाकार गीका, रुतई रुत दिम रुत हावुम खुदा, यानी मैं मत करना कह खराबी कह बुर काम मत करना, मे हाव रुत रुत सोरी असल असल हावुम सोरी असली करना सोरी, ठीक सा? ये किससे, ये बच्चा किससे दुआ मांग रहा है? अल्लाह ताला से। बह रचा दिल गरीबन बेकसन ऐसे पन्ने कर्म वत हावुम खुदा, यानी बह रचा गरीबन दिल, ठीक है? जिनको मदद की जरूरत है, जो गरीब लोग है, बह कर तिज मदद, ठीक है? तुम दिल कर खुश, बह दिमा तम बकार कर्म वह हावुम खुदा, यानी मे हा पन्न वह असल वह यस वह ऐसे पसंद है तम वह पकन, बह कर तिज मदद कर यानी कह खराब काम कह गलत काम मत करना, बह मुश्कावन यहां सूर आलम गुलाबिक पट फुलराव खुदा, यानी बह यहां सोरे आलम सोरे दुनिया गा खुशबू फहलाव हा बह पे अत मित पे पे गुलाब फलान तथे पे फहलाव तो मे तीक सा यह अल्लाह ताला से वन जहां तक समझ आया? Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन फिर से समझाना है या रीडिंग फिर से करनी है मुझे अभी बोलो। सबको समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. अब मैं यहाँ पर ये जो लफ्ज़ माने मैं ये डिस्कस करूंगी थोड़े बहुत आपसे, ठीक है? क्योंकि ये डिफिकल्ट वर्ड्स है, आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा, ठीक है? फिर आप क्या करेंगे जो हाँ हाँ मैं करूंगी स्क्रीन शेयर। फिर आप क्या करेंगे, आप ये लिखेंगे अपनी कॉपीज पर, ठीक है? इंडेक्स वगैरह बनाएंगे, डेट डे जैसे आप मेंटेन करते थे उसी तरह से आप वर्ड और मीनिंग लिखेंगे कॉपी पर और ये याद भी करेंगे। मैं मेरे पास मत बुक है, मैं किससे उतारूंगी? मैं शेयर करूंगी ना, शेयर करूंगी यहाँ पर। आप लोग स्क्रीनशॉट उठाइए, जिसके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट उठाइए इसका और फिर अपनी कॉपी पर लिखिएगा, ठीक है? मैम पेन से लिखना है। आपको किससे लिखना है? फिफ्थ क्लास में किससे लिखते हैं?
कल बोला हमें मैथ में काम लिखनी थी, हमें मैम ने बोला पेन से लिखो, तो आप पेन से लिखिएगा लेकिन साफ साफ लिखिएगा, ठीक है? कॉपी पे लिखा होता है पेन से, मैं बोल रही हूँ जल्द मैम, हम दोनों को मैम हमें मैम ने बोला जल पेन से, जी जल पेन से ही लिखना है, वो आप बाद में डिस्कस करेंगे किससे लिखना है, पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग्स है मैं वो डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर। पहला जो है वो है लोअल, लोअल का मतलब क्या है, मोहब्बत या मान, ठीक है? दूसरा है रज, रज का मतलब क्या है, खुश या रजामंद, दोनों में से एक लिख सकते हैं आप। नाकारगी, नाकारगी का मतलब क्या है, खराबी या गलत काम, ठीक है? उसके बाद है दिल रचुन, दिल रचुन क्या गो, खुश थावुन या मलाल न करुन, ठीक है? समझ आ रहा है मीनिंग? यस मैम। गहनावुन क्या गो, गहनावुन को यानी चमकावुन, चमकावुन या नप नप करना, ठीक है? कोई चीज चमकाना होता है ना, कोई जब कोई चीज हम चमकाते तो चमना गहनावुन, चमकावुन। उसके बाद है मुश्कावुन, मुश्कावुन क्या गो, खुशबू फैलावी, ठीक है? यानी खुशबू जो है ना, खुशबू फैलाना, उसी को कहते हैं मुश्कावुन। पद गो सोर, सोर का मतलब है या कि सोरी ना तो तमाम, यहाँ तक समझ आया? यस मैम। मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, लोल मोहब्बत या माय, रज खुश या रजामन, नाकारगी खराबी या गलत काम है, उसके बाद है दिल रचुन, खुश थावुन या मलाल न करुन, फिर हो गया गहनावुन, गहनावुन का मतलब हो गया चमकावुन या नप नप करना, उसके बाद है मुश्कावुन, मुश्कावुन का मतलब है खुशबू फैलावी, उसके बाद है सोर, सोर का मतलब है सोरी या तमाम, ठीक है? यहाँ तक समझ आया? यस सर। ओके, अब मैं एक एक करके आपको जी एक एक करके आप लोग रीडिंग करेंगे, ठीक है? सना जहरा जिसको मैं पूछूंगी वही करेगा रीडिंग। सना जहरा आप रीडिंग कीजिए। मैम मेरे पास बुक नहीं है। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप उससे पढ़िएगा, मैंने अभी किया था ना। चलिए कीजिए रीडिंग। और किसके पास बुक है? और किसके पास बुक है? मैं मेरे पास। चलिए अजरा मकरूर आप पढ़िए। दुआ। सबक लोलुक में पढ़ना हूँ खुदाया, मैं इल्मुक नूर गह नावुम खुदाया, बकर हाथी अजयम सुत रोज रोजा, मैं रुच रुच काम हिच नावुम खुदाया, मैं मत करनाऊं नाकारगी का, रुते रुत जम रुते थाऊं खुदाया, ब रहा दिल गरीब गरीबन बे कसन हुन, सब पनन करम वहावुम हावुम खुदा खुदाया, अब मुश्कावन यहां छु सोरे आलम, गुलाबिक पट फल राम खुदाया। ओके ठीक, वेरी गुड। कुरान फयाज आप पढ़िए, आपके पास बुक है? यस मैम। ठीक ही दीदी दी। यस मैम। सबक लोक में पर सबक लोलुक में पर नावुम खदाया, मैं अलमुक नूर गह नावुम खदाया, बकर हाथ चे यमा सत रोज रख रोजी रख रोजा, मैं यस मैम। सुनो ये है, बकर हाथी चे यमा सत रोज रख रोजी रख
بہ کر روزہ مے رچ کام ہوم خدایا مے مت کرنا تی کہنا مے مت کرنا تم نا کارگی کان رت 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 دم رت 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 دم رت ہاوم خدایا بہ رچ ہا دل گرن غریبن بہ کسان غریبن بے قسن ہند پان کر ما وت ہوم خدایا باقی سب بھی دھیان رکھے جہاں پر اس کو مسٹیک ہو رہی ہے آپ بھی وہاں پر دیکھیں تاکہ آپ کو کوئی مسٹیک نہ ہو ٹھیک ہے چکاون تینا تینا چھس سوری عالم یہ مشکاون یتھان چھس سوری عالم عالم خدایا میں ایک بار پھر سے پڑھتی ہوں سب کے لیے تاکہ آپ کو ریڈنگ کرنی آئے ٹھیک ہے دھیان رکھیے یہاں پر میں اسکرین شیئر کروں گی پھر سے آپ لوگ دھیان رکھیے گا کیونکہ آپ لوگوں کو مسٹیک ہوتی ہے پڑھنے میں سبق لولک میں پرنا وم خدایا میں علم کی نور گہ ناوم خدایا بہ کر ہا تیمہ سچ رز روزک میں رچ رچ کام ہوم خدایا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے مے مت کرنا تم نا کار گی کان رتی رت دم رتی ہاوم خدایا بہ رچہ دل غریبن بے قسن ہند ٹھ پن کرم وت ہاوم خدایا بہ مشکاون یھان چھ سور عالم وہاں پر یہ سورے نہیں ہے وہاں پر لکھا انہوں نے سور سور کا مطلب ہے سوری ٹھیک ہے گلابک پٹ پھل راوم خدایا ٹھیک ہے سمجھ آ رہا یس میم آیا سمجھ آپ اس کی ریڈنگ پریکٹس کریں گے کل میں پہلے اس کا ریڈنگ ٹیسٹ لوں گی اور آپ یہ ورڈ میننگز جو ہے آپ یہ کریں گے کاپی پر ٹھیک ہے اور یاد بھی کریں گے یہاں تک کوئی سوال تو نہیں پوچھنا میم یہ الفاظ معنی ہے نا ہاں کون سے لکھنے ہیں یہ آپ اگر آپ اوپر لکھو گے نا ہیڈنگ وغیرہ انڈیکس وغیرہ بلو پین سے سارا اور اوپر لکھو گے لفظ معنی بلیک پین سے ٹھیک ہے پھر آپ سارا یہاں کا بھی اور یہاں کا بھی دونوں لکھو گے بلو پین سے اوکے میم ٹھیک ہے جیل پین آپ یوز کریں گے بال پین آپ یوز نہیں کریں گے یا بال سے میم جو الفاظ ہے نا وہ بلو پین سے لکھنا ہے اور جو اوپر کی ہینڈ لائن ہے وہ لکھنا ہے بلیک پین سے جی وہ لکھنا ہے بلیک پین سے اور بیچ میں آپ لائن ڈالیں گے بلیک پین سے ویسے ہی بنائیں گے ٹھیک ہے آپ کو لیسن اچھے سے پڑھنا ہے کیونکہ آپ کو کوشچن آنسر خود سے کرنے ہیں آج آپ کو کوئی بھی ٹیچر نہیں دکھائے گی آپ کو خود سے کرنے ہیں کوشچن آنسر اسی لیے لیسن کا پورا دھیان رکھے گا آپ ٹھیک ہے جو میں پڑھاتی ہوں میننگ بولتے ہیں اس کو اچھے سے سمجھیے گا تبھی جا کے آپ کو کوشچن آنسر خود سے کرنے آئیں گے ٹھیک ہے کاپی پر میں گروپ میں بھی سینڈ کروں گی میسج وہاں پر آپ دیکھیے گا ٹھیک ہے میم کوشچن سینڈ کیجیے گا
नई क्वेश्चंस अभी सेंड नहीं किया, आपको खुद से करने हैं। फिलहाल आप वर्ड मीनिंग्स उतारेंगे बुक से, कल हम फिर क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, वो आपको खुद से लिखने हैं, ठीक है? ऐसे आप नहीं पढ़ते, ऐसे अगर आप खुद से करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, आपको भी पता चलेगा कि हाँ हमें लेसन पढ़ना है, इससे हमें ऐसे देखना है, क्वेश्चन आंसर्स खुद से निकालने हैं, ठीक है? ऐसे आपको भी फायदा है, ठीक है? फिलहाल आज के लिए इतना ही, तो कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे हम, लेकिन लिखना आपको खुद से है, क्लियर? ओके मैम, ओके मैम, ओके, चलिए अल्लाह हाफिज़, ओके मैम, अल्लाह हाफिज़ मैम, अल्लाह हाफिज़ मैम।